हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय तलाविया मेरी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मीठी बूंदी जो बहुत ही रसीली और मधुर बनती है। इसे बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए है शुगर, ये 2 कप शुगर है। ये हमारा 1.5 कप बेसन है तो हम 2 कप शुगर लेंगे। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। एक कढ़ाई में मैंने ये शुगर डाल दी है। जितनी शुगर ली है उतना ही हमें पानी मिलाना है। इसे अब हम गर्म करेंगे। गर्म करते हुए इसे हिलाते हुए सारी शुगर घुल जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये हमारी शुगर घुल गई है और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। इसी तरह से हमें उबालना है। इस तरह से उबालते हुए हमें 1/2 तार की चाशनी बनानी है, 1 तार की नहीं बनानी। ये हमारे 1/2 तार की चाशनी बन के रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। चाशनी में नींबू डालने से चाशनी घट ज़्यादा नहीं बनेगी और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाएंगे। यदि आपको बूंदी में कलर चाहिए तो आप इसी में ही कलर को घोल के मिक्स कर सकते हो। हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। और 1/2 कप मैंने दरदरा बेसन लिया है। दरदरा बेसन से हमारी बूंदी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाया है और 1/2 टीस्पून देसी घी मिलाया है। एक कप जितना पानी धीरे धीरे से मिलाते हुए हम बैटर को बीटर से रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बैटर हमें ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के अच्छी तरह से बैटर बनाइए। तो हमारे ये बैटर बनके रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है। इसी कंसिस्टेंसी में हम बैटर बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने इसे हम 2 मिनट तक सेट करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें बूंदी के इस चारे से बूंदी निकालेंगे। यदि आपके पास ऐसा चारा ना हो तो आप इसे कोई ऐसा ढक्कन हो छिद्र वाला तो इससे भी आप बूंदी निकाल सकते हो। तो हम बूंदी बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें 1 चम्मच भर के बैटर डालिए और चारा थोड़ा ऊपर रख दिए। इसी तरह से चारे में चम्मच फिराते हुए सारी बूंदी निकाल लीजिए। तो हमारी बूंदी बनके रेडी है। इस चारे को हम
फिर से धो डालेंगे। दूसरी बार जब बूंदी पड़नी हो तो हमें ये चारा धोकर फिर यूज करना है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी बूंदी बन के रेडी है। इसे हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। ये चारा मैंने धो दिया है। बूंदी आप तेल में भी बना सकते हो और घी में भी बना सकते हो। अब हमारी ये बूंदी का कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम इसे निकाल के अच्छी तरह से इसे तेल निकाल के घी निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में ऐसे ही हमें 3 मिनट तक रखना है ताकि पूरी तरह बूंदी में चाशनी घुल जाए। अब दूसरे चारे से हम चाशनी में से बूंदी को निकाल देंगे। 3 मिनट हो गई है हमारी, निकाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी रसीली बूंदी देख सकते हो कितनी अच्छी बन के रेडी है। इसी तरह से हम सारी बूंदी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सारी बूंदी बन के रेडी है। इसमें मैंने ऊपर से इलायची पाउडर, काजू और बादाम के पीस और किशमिश मिला के सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इलायची से बूंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये बूंदी बनके रेडी है। ये रसभरी बूंदी आप भगवान के भोग करने के लिए बना सकते हो। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो झटपट से ये बूंदी बनाकर खा सकते हो। तो दोस्तों, आपको अभी बाहर से बूंदी लाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बूंदी आसानी से बनाकर खाइए और औरों को भी खिलाइए। तो दोस्तों, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।